केदारनाथ धाम के कपाट आज शुक्रवार को पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। आज से 6 माह तक बाबा केदार अपने धाम से श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। बता दें कि मंदिर के जग गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत धर्माचार्य पुजारी गणों द्वारा भगवान शिव का आवाहन कर केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले गए। वहीं कपाट खोलने के बाद भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप से श्रृंगार रूप दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश एवं देश की खुशहाली के लिए विशेष पूजा करने के साथ बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक भी किया। इसके बाद उन्होंने नंदी महाराज को वस्त्र पहनाकर पूजा अर्चना कर दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से भेंट कर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक दल भंडार कार्यक्रम समिति द्वारा आयोजित भंडारा एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि आज बहुत शुभ दिन है। आज से विधिवत 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। देश विदेश से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए इस अवसर पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सभी की यात्रा मंगलमय हो और जिस उद्देश्य से श्रद्धालु यात्रा पर आए हैं उनकी मनोकामनाएं बाबा केदारनाथ पूरी करें। कपाट खुलने के अवसर पर BKGC अध्यक्ष अजय ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीते यात्रा काल में रिकॉर्ड तीर्थ यात्री श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत उत्सव का दिन होता है, बहुत खुशी का दिन होता है, जिसकी प्रतीक्षा लगातार उत्तराखंड वासी भी करते हैं, 4 धाम वासी करते हैं, पूरे देशवासी करते हैं। वो दिन आज हो गया है और यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यात्रा के सभी इंतजाम राज्य की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन ने भी किए हैं, बहुत सारे हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, सारे लोग मिलकर यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि सबकी यात्रा सकुशलता से संपन्न हो, बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। भगवान सब पर कृपा करें। और आज यहाँ पहली पूजा कपाट खुलने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ पर हुई है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण में रहा है। आज जो हमारा बाबा केदार का ये प्रांगण एक भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में लगातार एक नया स्वरूप ले रहा है। ज्योतिर्लिंगम मुदित मनसा नवमी केदारनाथम। आज भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर इस प्रातःकाल अमृत वेला में सभी भक्तों के लिए भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खोल दिए गए हैं। सभी भक्तों पे भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। और आज कपाट खुलने के इस शुभ अवसर पर भीड़ भी बहुत है। प्रथम से मैं मीडिया के लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ जो 11,750 फुट की ऊंचाई पे यहाँ की आम आदमी की बातों को जो है देश और दुनिया तक पहुँचाते हैं। तो मीडिया के लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जहाँ तक इस हुजूम का सवाल है कि 6 महीने के बाद भगवान केदार जी के कपाट आज अक्षत पे कपाट खोले गए हैं और आज का दिन जो है भगवान का जो है मुख्य है अखंड ज्योत के दर्शन का। आज का जो दर्शन होता है अखंड ज्योत का दर्शन होता है। जब भगवान को समाधि में लगाते हैं तो वहाँ पर अखंड ज्योत जलती है और जो शीतकाल में जली हुई आज उसके दर्शन होते हैं।